ये देखो दोस्तों, मैंने कढ़ाई अच्छे से धुल लिया, आलू भी साफ से देखो धुल लिया। आलू है और मटर मैंने रख दिया उबलने के लिए, उबल रहा है देखो, पक जा रहा वही वाला मटर है देखो, पका हुआ यही उबलने के लिए मैंने रख रखा। ये देखो जो हल्का से पक जाता है मटर, वही उबालो, सही होता उबालने में। ये देखो दोस्तों, मेरा आलू भी हो गया और मटर भी हो गया है। ये देखो आलू और मटर, मटर भी अच्छे तरह से पक गया है। ये देखो और इधर महक खाने के लिए खड़ी हैं चुड़ैल की तरह। दोस्तों मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। देखो ये हरी लहसुन है, ये देखो मैंने अपने गमले में से इसे ले लिया। तीन है ये लहसुन और छह हरी मिर्च, इतना सारा हरी धनिया चटनी बनाने के लिए। इसे छोटे छोटे बारीक बारीक काट लूँ, फिर इसका चटनी बना के दिखा रही है आप लोगों को। ये देखो दोस्तों, मैं चटनी बना के लाई। ये देखो चटनी हरी धनिया की, हरी लहसुन हरी मिर्च चटनी बना ली। अब देखती हूँ आलू हुआ कि नहीं। ये देखो दोस्तों, मैंने आलू भी छील लिया और मटर भी छील लिया इधर। ये देखो दोस्तों, मैंने आलू भी छील लिया और चटनी भी रख लिया और मटर भी छील लिया। ये देखो इसे चटनी के साथ आलू दिखाते हैं कैसे खाना है। इसे आलू ऐसे तोड़ लो और इसमें ये मटर डालो, फिर ये चटनी ऐसे मिला के ऐसे आप एक बार खा के देखना, इतना स्वाद लगेगा खाने में। ये मेरे सास को बहुत पसंद था दोस्तों, और जब मटर का सीजन आता था तो दोपहर का टाइम में आलू उबालती थी, मटर और चटनी ऐसे बनाती थी और खाती थी, उन्हें मेरे ससुर को भी देती थी, अपना भी खाती थी। बहुत अच्छा लगता दोस्तों, आप लोग ज़रूर एक बार खा के देखना। ये देखो ये देखो दोस्तों, मटर भी बिल्कुल गल गया है। देखो तैयार हो रहा है।